जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चूंकि कल हमने प्राइमरी डिस्मेनोरिया कंप्लीट किया है, तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बेसिकली कहते किसको है? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जैसे कि डिस्मेनोरिया का मेनली डिफिनेशन क्या है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन या पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या फिर पेन एसोसिएटेड विद द मेंस्ट्रुएशन इन साइक्लिक पैटर्न। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में भी मेनली जो है मेन जो बेसिक डिफिनेशन है वो तो यही है कि पेन एसोसिएटेड विद द मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड डिस्मेनोरिया। जब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की बात करेंगे, पेन एसोसिएटेड विद द मेंस्ट्रुएशन विद पेल्विक पैथोलॉजी, विद विद या प्रेजेंस ऑफ पेल्विक पैथोलॉजी इज कॉल्ड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। जब कभी भी मेंस्ट्रुएशन के साथ दर्द होता है और वो दर्द की पैथोलॉजी जो होती है एबनॉर्मलिटी वो पेल्विक में पाई जाती है तो उसको क्या कहा जाता है कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ठीक है, हेलो हेलो जी जी सर, सर लिख रहे हो ना? ब्लैक पेन, ब्लैक पेन। हाँ सर जी सर लिख रहे हैं। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का डिफिनेशन क्या हो गया कि पेन एसोसिएटेड विद द मेंस्ट्रुएशन विद प्रेजेंस ऑफ पेल्विक पैथोलॉजी, विद प्रेजेंस ऑफ पेल्विक पैथोलॉजी। पेन एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन विद प्रेजेंस ऑफ पेल्विक पैथोलॉजी। With presence of pelvic pathology. Primary में क्या था? कि without pelvic pathology तो इसमें pelvic क्या pathology नहीं था। With pelvic pathology इसमें। ठीक है। जी। इसका जो है हम ये देखेंगे अगर कि इसका cause क्या-क्या होता है। तो काउज जो है मेनली क्या होगा कि रिलेटेड विद द पैथोलॉजी होगा, पेल्विक होगा। तो सबसे पहला काउज क्या हो जाएगा कि पेल्विक टिश्यू कंजेशन, पेल्विक टिश्यू मेंस्ट्रुअल कंजेशन, पेल्विक टिश्यू मेंस्ट्रुएशन कंजेशन, कंजेशन। Or increase vascularity of the pelvic organ, or increase vascularity of the pelvic organ. जैसे cervical stenosis, chronic pelvic infection. Chronic pelvic infection, pelvic endometriosis, pelvic adhesion, adenomyosis. Uterine fibroid, endometrial polyp, IUCD, yani sagufta. Yes, sir. IUCD का फुल फॉर्म क्या हुआ? IUCD.
नाजिस शाहीन निशात आसी इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस वेरी गुड इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस दूसरा जो काउज हो जाएगा के ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू मलेरियन मालफॉर्मेशन सेकेंड काउज हाँ वो एक तो हो गया कि ये कंजेशन होता है उसकी वजह से दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से तो ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू मलेरियन मालफॉर्मेशन इसके अलावा ओवेरियन ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू मलेरियन मालफॉर्मेशन जी जी सर उसके बाद ओवेरियन ट्यूमर और सिस्ट जी इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोलर प्रेगनेंसी निशात आसी कैन यू हेयर मी निशात आसी I think she is not. ये क्या नाम है इसका दिलकश जहां मोलर प्रेगनेंसी क्या होता है मोलर प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंट नहीं होती है लेकिन उसको प्रेगनेंट होने का फील होता है स्यूडो प्रेगनेंसी जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ चूंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है कि सूडो प्रेगनेंसी एज यू टेल इट इज करेक्ट यहाँ पे क्या होता है कि प्रेगनेंसी ना होके ब्लड का थक्का होता है और वो थक्का जो है यानी क्लॉट होता है और वो क्लॉट जो है एकदम अंगूर के गुच्छे की शक्ल का बना हुआ होता है इसकी वजह से इसको मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं ठीक है हेलो हाँ सर आ रही है आवाज जी तो मोलर प्रेगनेंसी इसके अलावा आपको यूट्राइन ट्यूमर नेपोथियन सिस्ट पीआईडी पीओएस सॉरी पीओएस कहते पीओसी ये सारे के सारे काउज हो जाएंगे वो इन्फेक्शन में आ जाएंगे
वो इन्फेक्शन आ जाएगा, यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन, यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग एसटीडी, यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग एसटीडी। सर पीओसी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ओके, यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग एसटीडी, ठीक है। अब अगर बात करेंगे हम क्लिनिकल फीचर्स की, इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्या होगा? नॉर्मली ये बनिस्बत के वो क्या था, यंगर एज में नल्ली पायस में कॉमन था, ये 30s एंड अबव में कॉमन होता है। ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या होता है? 30s एंड अबव में कॉमन होता है। नॉर्मली ये मल्टी पायस होते हैं, ऐसी फीमेल मल्टी पायस होते हैं नॉर्मली, मोस्टली, नॉर्मली नहीं मोस्टली। जस्ट ए मिनट, आप बोलो। हाँ आ जाऊंगा। हाँ आता हूँ, देख लो बहुत बुरा। नहीं आज दूसरी, चलो हम अभी क्लास में फिर बात करते हैं, ठीक है। तो अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहला चीज क्या होगा कि नॉर्मली ये मल्टी पास वुमेन होंगी, मल्टी पास वुमेन होंगी जो 30s एंड अबव एज की होंगी, ज्यादातर 30s एंड अबव एज की होगी, मल्टी पास होगी। ठीक है, दूसरा चीज पेन जो होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा जो कि या डल नेचर का होगा, इसमें स्पास्मोटिक नेचर नहीं होगा, इसमें डल नेचर का पेन होगा। दूसरी चीज ये पेन अमूमन था रेडिएशन इसमें नहीं होगा, उसमें क्या था कि रेडिएट होके बैक एंड मीडियल थाई में जाता था, ये पेन क्या होगा कि अमूमनता रेडिएशन इसमें नहीं होगा, विदाउट एनी रेडिएशन, यानी ये पेन लोकलाइज टाइप का होगा। तीसरी चीज क्या होगी, पेन जो है ये स्टार्ट अमूमनता वो क्या था, अमूमनता 24 घंटे के अंदर स्टार्ट होता था पीरियड स्टार्ट होने से, और अगले 24 घंटे तक अमूमनता जाता था प्राइमरी, ये क्या होगा कि अमूमनता 3 से 5 दिन पहले पीरियड से स्टार्ट होगा, और जैसे ही ब्लीडिंग शुरू होगा पेन सबसाइड कर जाएगा। अमूमनता ये जो पेन होता है इसका जो ऑनसेट और ड्यूरेशन होता है वो मेनली डिपेंड करता है किस पे, कि किस टाइप की पैथोलॉजी है। अगर सपोज कर किसी को ओवेरियन ट्यूमर है तो उसको हो सकता है कि लगातार पेन हो, या फिर मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेन हो, सिर्फ पेन हो। उसी तरह किसी को फाइब्रॉइड यूट्रस है तो हो सकता है कि लगातार पेन हो, ठीक है। इसके अलावा ये पेन की वजह से इसका डे टू डे रूटीन एक्टिविटी अमूमनता हैम्पर नहीं होगा, वो रूटीन एक्टिविटी करती रहेंगी, चूंकि इतना डल पेन होता है
माइल्ड पेन होता है, माइल्ड टू मॉडरेट होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहता है कि सेवियर पेन होता है जिसकी वजह से इनएक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, वही साइन में क्या मिलेगा ड्यूरिंग इंटरनल वजाइनल एग्जामिनेशन, आपको मिल सकता है कि कोई एडिजन या लीजन हो या फिर इन्फेक्शन के जो भी साइन होते हैं वो मिल सकते हैं, जैसे सर्विक्स का जो है एस्टेनोसिस हो गया, या फिर फाइब्रॉइड यूट्रस है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या फिर जो है ये ओवेरियन ट्यूमर है, ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हेलो जी, जी सर। अब नेक्स्ट आते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन इसका क्या क्या करवा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला चीज क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से अगर कोई ट्यूमर है, फाइब्रॉइड है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, पीओसी है, तो ये सारा कुछ हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, अल्ट्रासोनोग्राफी। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, कॉल्पोस्कोपी। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, कॉल्पोस्कोपी। इससे हमें सर्वाइकल स्टेनोसिस हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, या फिर एडिजन हो गया, ये सारा चीजों का पता चल जाएगा, कॉल्पोस्कोपी। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, लेप्रोस्कोपी। तीसरा क्या इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, लेप्रोस्कोपी। तो लेप्रोस्कोपी के जरिए भी हम जो भी पेल्विक पैथोलॉजी होती है उसको रूल आउट कर सकते हैं, चाहे वो फाइब्रॉइड हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, या फिर जो है ओवेरियन ट्यूमर हो, सर्वाइकल ट्यूमर हो, यूट्राइन ट्यूमर हो, यूट्राइन मास हो, सब चीज को हम रूल आउट कर सकते हैं लेप्रोस्कोपी के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ यूरिन और वजाइनल स्वाब। कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ यूरिन और वजाइनल स्वाब। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पैप स्मियर। इसमें क्या फाइंडिंग मिलेगा सर, किसमें, कल्चर एंड सेंसिटिविटी में, यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्या इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा आपको, पैप स्मियर। सर क्या चीज, पैप स्मियर, पैप स्मियर। ये समझ में नहीं आया सर, पैप स्मियर, पी ए पी पैप होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है पापानी कोलाउ टेस्ट का, पापानी कोलाउ का। इसमें क्या होता है कि सर्विक्स के अंदर से स्वाब लेते हैं और स्वाब का
सर्विक्स के अंदर से स्वाब लेते हैं और उस स्वाब का जो है हम साइटोलॉजी कराते हैं। सर्विक्स के स्वाब का हम साइटोलॉजी कराते हैं जिससे सर्वाइकल कैंसर या फिर यूट्राइन कैंसर ये चीजों का पता लगाते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म होता है पापानी कुलाओ, PAPANI, पापानी पापानी कुलाओ, COLAU, कुलाओ, पूरा एक ही वर्ड है पापानी कुलाओ, पैपस में एक और ठीक है। तो ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन इसके बाद जो है आती है बात मैनेजमेंट की। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें काउज ज्यादातर जो काउज है रेदर देन इन्फेक्टिव काउज रेदर देन क्या मेरा वाला पेन बोलो पेन बोलो एक मिनट बुआ डॉक्टर नजीब डॉक्टर अजीज है नहीं तो कहाँ से ठीक है तो मेरा किस एसी से परफॉर्मा मेरा नाम लिखा हुआ है। हाँ तेरा नाम लिखा हुआ CCIM परफॉर्मर डॉक्टर नजीबुल रहमान एक मिनट ऊपर हम मेल कर कहा तो दिए एक मिनट में है ना तुम जाओ ना सर फिर हाथ टच करना पड़ेगा उसको नहीं हाथ धोए ऐसे पेन ड्राइव बाहर देना और वहां पे रखा ही हुआ है। हेलो हाँ सर जी सर यस सर क्या कर ट्रीटमेंट की जहां तक बात है तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे सबसे पहले जो काउज है काउज का पता लगाएंगे अगर इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है अगर इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है जैसे सपोज करो कि किसी को पीआईडी है ड्यू टू इन्फेक्शन तो ऑलवेज रिमेम्बर कि पीआईडी होगा या यूरोजेनाइटल ज्यादातर इन्फेक्शन में हम एक एनारोब्स कवरेज भी देते हैं तो ऐसी सूरत में अगर जो है ज्यादातर जो है या तो इकोलाई होता है अगर नॉन एसटीडी की बात करें या तो ज्यादातर में इकोलाई ही आता है तो इकोलाई अगर है तो टैबलेट लिवोफ्लॉक्सासिन 500 टू 750 mg ओडी टैबलेट लिवोफ्लॉक्सासिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है रादर देन एसटीडी तो टैबलेट लिवोफ्लॉक्सासिन 500 टू 750 mg ओडी प्लस ऑनिडाजोल और मेट्रोनिडाजोल 400 mg TID ऑनिडाजोल और मेट्रोनिडाजोल 400 mg TID प्लस एंड ऑल यानी साथ में इसको भी ऐड कर सकते हैं दूसरा जो ड्रग्स बता रहा हूं या फिर अकेला भी इसको दे सकते हैं लिवोफ्लॉक्सासिन की जगह प्लस एंड ऑल इंजेक्शन जेंटामाइसिन 80 mg बीडी और एमिकासिन 50 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट बीडी एंड ऑल के बाद क्या बोले सर हां
एंड ऑल के बाद एंड ऑल जेंटामाइसिन जेंटामाइसिन इंजेक्शन जेंटामाइसिन 1.5 to 3 mg/kg ऑफ बॉडी वेट बीडी नॉर्मल एडल्ट डोज जो है वो 80 mg बीडी या फिर एमिकासिन 15 mg बीडी आईएम और आईवी दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं एमिकासिन 50 mg बीडी बट ऑलवेज रिमेंबर के एक चीज नहीं होना चाहिए वो क्या है रीनल प्रोफाइल नॉर्मल होना चाहिए अगर किडनी किसी भी तरह से डैमेज है सीरम क्रिएटिनिन लेस मोर देन 2 है एकदम नहीं देना है कंट्रा इंडिकेटेड सीरम क्रिएटिनिन मोर देन 2 है कंट्रा इंडिकेटेड दूसरी चीज ये ध्यान में रखना है इसका कि अगर किसी तरह का टिनाइटस या फिर जो है डिफनेस ये डेवलप करता है तो तुरंत बंद करना है क्योंकि ये क्या काउज करता है ऑटोटॉक्सिसिटी काउज करता है ठीक है ये जेंटामाइसिन एमिकासिन ये सब जो है ऑटोटॉक्सिसिटी काउज करता है सीरम क्रिएटिनिन बढ़ाने सीरम क्रिएटिनिन मोर देन 2 है कंट्रा इंडिकेटेड और एक क्या बताया सर ऑटोटॉक्सिसिटी डेवलप करता है साइड इफेक्ट इसका जो है वो ऑटोटॉक्सिसिटी है ठीक है जी वही जेंटामाइसिन और दोनों एक साथ दे सकते हैं क्या जेंटामाइसिन और एमिकासिन एक साथ दे सकते हैं से कोई एक बोला ना और जेंटामाइसिन के बाद बोला ना और एमिकासिन और यानी या ठीक है जी जी नेक्स्ट क्या हो जाएगा एक यूट्राइन टॉनिक देंगे एक यूट्राइन टॉनिक देंगे चीज अगर पीओसी है तो मेथाजीन देंगे आइगोटामिन दूसरी चीज अगर पीओसी है तो आइगोटामिन देंगे या फिर डीएनई करेंगे या फिर डीएनई करेंगे अगर पीओसी है तो आइगोटामिन देंगे पहले और आइगोटामिन पे अगर क्लियर नहीं होता है तो डीएनसी करेंगे आइगोटामिन जो है वन टैबलेट टीआईडी फॉर 3 days वन टैबलेट टीआईडी फॉर 3 days वैसे आप आजमा सकते हैं मेजोप्रोस्ट को भी अगर ब्लीडिंग ज्यादा है साथ में तो मेजोप्रोस्ट को भी अपना सकते हैं मेजोप्रोस्ट 200 mg टीआईडी फॉर 2 days मेफेप्रेस्टोन मेजोप्रोस्ट का जो है मेफेप्रेजेस्टेरोन मेफेप्रेस्टोन ठीक है इसके अलावा अगर यूटीआई है तो एक अल्कलाइजर देते हैं यूटीआई है तो एक अल्कलाइजर देते हैं यानी अल्कासोल हो गया या फिर अपने यूनानी में शरबत बजूरी मोतदिल या फिर मॉडर्न में आता है सॉरी अदर इसमें हर्बल में आता है आपको नीरी सिस्टोन ये सब भी यूज करवा सकते हैं ठीक है रिकरेंट यूटीआई एक बार फिर से यूटीआई के लिए एक तो हर्बल में अगर हम यूनानी में देना चाहें तो शरबत बजूरी मोतदिल दे सकते हैं जी.
या फिर न्यूरी और सिस्टोन अल्कलाइजर के तौर पे, या फिर मॉडर्न में अल्कासोन पोटासियम साइट्रेट इसका कंपोजिशन होता है, अल्कासोन। इसके अलावा मॉडर्न में डी मैनोज क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट ये यूज करवा सकते हैं, डी मैनोज और क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट। क्या बोले सर? डी मैनोज एंड क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट। अगर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है, क्रॉनिक यूटीआई है, रिकरेंट यूटीआई है, तो उसमें डी मैनोज प्लस क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट अल्कलाइजर के तौर पे। ठीक है, अगर बीच में कट जाता है कंप्लीट होने से पहले तो ज्वाइन कर लीजिएगा, थोड़ा सा दो चार मिनट का रहेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा, अगर कंप्लीट हो जाता है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, सिर्फ दो चार मिनट का बच जाएगा मुश्किल से, अगर नहीं भी हो पाता तो। अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड है और एज 30 प्लस में है तो फिर हिस्टेक्टोमी। अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड है, एज 30 प्लस में है तो हिस्टेक्टोमी। सॉरी, इससे पहले लिखिए एसटीडी के लिए गोनोरिया और सिफिलिस सेफ्टेक्सोन 1 ग्राम आईवीबीडी 1 ग्राम IVBD for 5 days, ऐसे बुक में कुछ भी लिखता है, 1 ग्राम सिंगल डोज लिखा है बुक में, लेकिन उसको फॉलो नहीं करने का, एक डोज में कभी नहीं खत्म होगा। 1 ग्राम IVBD for 5 to 7 days। और ciprofloxacin 500 mg for 10 days, और ciprofloxacin and all कर लो, एंड और साथ में या अकेला ciprofloxacin 500 mg BD। अगर एच आई वी है तो उसका CD4 काउंट करवाइए, अगर HIV है तो उसका CD4 काउंट करवाइए, CD4 काउंट मोर देन 200 है ओके, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है फिलहाल। अगर CD4 काउंट मोर देन 200 तो लेस देन 200 है तो ए आर टी देना है, जो कि फ्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री और फोर ड्रग्स ऑफ एंटीवायरल, तो ये आपको मिल जाता है गवर्नमेंट में फ्री में, तो यू कैन ट्रांसफर देम ऑन देम टू गवर्नमेंट सेंटर, ये गवर्नमेंट ART सेंटर। मेरा टाइम निकल गया, एक ही देना, कोई बात नहीं, एक ही दे दो, दे दीजिए। ठीक है, वहीं अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो भी LSCS के जरिए ही रिमूव करेंगे, वहीं अगर मोलार प्रेगनेंसी है तो DNE करेंगे, सर्वाइकल स्टेनोसिस है तो लेप्रोस्कोपिक स्टेनोसिस रिमूव करेंगे, लेप्रोस्कोपिक करेंगे। सर थोड़ा धीरे बोलिए सर, बहुत फास्ट बोल के निकल जा रहे हैं, छूट जा रहा है सर। ठीक है, तो अगर टॉपिक प्रेगनेंसी है तो LSCS करेंगे। मुंगर अगर मोलर प्रेगनेंसी है तो DNE करेंगे, D and E। अगर सर्वाइकल स्टेनोसिस